गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज डेट है 2 जून, तो 2 जून के शाम की वीडियो है ये, कल की मतलब। तो मैंने थोड़ा सा मलाई रखी थी, ज़्यादा नहीं थी, बस एक टिफिन में थी। तो अब गर्मियों में जल्दी जल्दी मलाई से घी निकालना चाहिए, वैसे सर्दियों में काफ़ी टाइम बाद निकालती हूँ जब ज़्यादा हो जाए मलाई। तो इसको मैं चम्मच की सहायता से फेंट रही हूँ। तो मैंने फिर से इसको आधे घंटे पहले निकाल लिया था बाहर, और कुछ भी टाइम नहीं लगा मुझे, बहुत जल्दी इससे मक्खन निकल गया था। तो ये देखिए, थोड़ी देर मैंने ऐसे चम्मच से चलाया और मक्खन निकलने लग गया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा मलाई से मक्खन निकलने में, थोड़ी देर में चम्मच से फेंटा, और क्योंकि मैंने आधे घंटे पहले फिर इसे निकाल दिया था, तो थोड़ी देर फेंटने के बाद मक्खन निकल गया है मलाई से, और जो एक्स्ट्रा दूध होता है वो अलग हो गया है। थोड़ा मैंने इसमें पानी डाला और ये मक्खन निकल गया है। मैं इसको एक दो पानी से धो लेती हूँ, जो इसमें दूध या पानी एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाए। तो इसको मक्खन को मैं धो रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, मक्खन का जो गोला है वो अलग हो गया है और दूध अलग। तो मैंने इसको रख दिया है घी बनाने के लिए गैस पे, और आँच कम कर रखी है गैस की। इसको करछी की सहायता से धीरे धीरे चलाती रहूँगी, क्योंकि अगर इसको छोड़ के चले जाएँ या कुछ और काम करने लग जाएँ तो उबाल आ सकता है। तो यहाँ पे घी मेरा निकल चुका है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मलाई ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थी। और जो ताज़ा घी होता है, इसमें पहले का है, जो मैंने पिछले हफ्ते घी निकाला था, तो वो इस डब्बे में है और इसी में मैं डाल दूँगी इस बार की भी। जो पहले का घी होता है और जो ताज़ा ताज़ा निकाला हुआ था, उनमें दोनों में से बहुत अंतर होता है। जो जिस समय हम घी निकालते हैं मक्खन से, तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे वो तो। और जो पहले का होता है उसमें उतना टेस्ट नहीं आता जितना ताज़े वाले घी में आता है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर ऊपर का डिब्बे में रख दूँगी, और बाकी जो मलाई निकलने के बाद जो नीचे रहता है, अलग अलग जगहों अलग अलग वो भाषा में बोलते हैं इसको, जो ये नीचे बचा हुआ है, तो ये भी बहुत टेस्टी होता है रोटी में खाने के लिए। तो थोड़ा सा घी मैं इसमें छोड़ दूँगी, अभी बच्चों को दे दूँगी रोटी के साथ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये जब हम घी निकाल देते हैं और जो बच जाता है कढ़ाई में। थोड़ा सा मैंने इसमें घी भी छोड़ दिया है, अभी रोटी के साथ दे दूँगी बच्चों को। और ये घी मैंने डाल दिया है डिब्बे में, इतना सा ये बच्चों के लिए मैंने रख दिया यहाँ पे कढ़ाई पे, तो ये लोग अभी खा लेंगे। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, मलाई मिक्स थी, गाय के दूध की भी थी और भैंस के दूध की भी। ये जो नीचे का है पहले का, वो अपने आप दिख रहा है, और जो अभी का ताज़ा है वो ये ऊपर से अभी दिख रहा है पिघला हुआ। और यहाँ पे प्राप्ति अपने लिए निकाल रही है घी, मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। गांव में जब हम घी निकालते थे तो जो कढ़ाई पे नीचे बच जाता है एक्स्ट्रा, उसे मैं खाती थी, अच्छे बहुत पसंद था मुझे। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी, तोरी की सब्जी। तो सब्जी मैंने पहले से ही शाम से ही काट करके रखी थी, और मैंने सरसों का तेल डाला कढ़ाई में, उसमें मैंने डाल दिया है जीरा। और जीरा डालने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है, और एक बड़ा टमाटर डाल दिया है मैंने। नॉर्मली तरीके से मैं बनाऊंगी सब्जी, कोई स्पेशल नहीं बन रही है, बस यही थी, तोरी की सब्जी थी डिनर में, रोटी थी, और सुबह की बची हुई करेले की सब्जी थी। तो उसी को दोबारा मैंने फ्राई करके गरम करके, बच्चों ने तो खाया नहीं, बस मैंने करेले की सब्जी खाई जो सुबह की बची हुई थी, और थोड़ा राइस बचे हुए थे दोपहर के। बच्चे दिन भर फ्रूट बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते, तो खाना कम खाते, तो इसलिए चावल बच गए थे, उनको मैंने जीरे के साथ फ्राई किया। और बस यही था मेरे कल के डिनर में। तो यहाँ पे सब्जी बन जाएगी, उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी, उसके बाद राइस फ्राई करूँगी, और आप लोग वीडियो में बने रहिए।
सब्जी बन गई है और सब्जी को मैंने रख दिया है एक टिफिन में, और उसी कढ़ाई में मैं राइस फ्राई करूँगी। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटी। गर्मियों में सच में इतना मुश्किल होता है ना किचन में खाना बनाना, और उसके बावजूद भी कोई खाने में नुक्स निकाले। बच्चे बहुत नुक्स निकालते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये क्यों बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, वो खाने का मन कर रहा था, ये अच्छा नहीं है। किसी के पसंद की बनती है तो दूसरा बोलता मैंने नहीं खाना है। सब्जी और दालों पे तो बहुत नुक्स निकलते हैं, और कुछ भी बना लो और खा लेंगे, लेकिन सब्जी और दाल बिल्कुल नहीं खाते बच्चे। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ नाइट में। इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, गर्मी सभी को होती है। गर्मी में सभी लेडीजों को किचन में खाना बनाना पड़ता है और सबको गर्मी होती है। तो यहाँ पे सब ने खाना खा लिया है। ये मेरी थाली है, ये मैंने खुद के लिए थोड़ा घी बचा रखा था, बच्चों ने खा लिया। सब्जी है, राइस है, और एक गिलास में दूध रखा है मैंने अपने लिए। गाइस वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, और प्लीज़ जो लोग न्यू हैं चैनल को, सब वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो सो गाइस, अभी जो है हमारा डिनर हो गया है और टाइम हो रहा है 10:45, 11 बजने वाले हैं, और सारे काम हो गए हैं, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं, और हम यहाँ पे लेटे हुए हैं। अब भोजन तो हो गया और अब सोने की तैयारी है। और यहाँ पे हमारी प्यू रानी थोड़ा इसका मूड सही नहीं है, इसे चाहिए गेम खेलने के लिए फ़ोन फ़ोन चाहिए, इसे फ़ोन चाहिए, इसीलिए जो है पीयू रानी अभी मुस्कुरा। पीयू के जो है, पीयू ने अपने दो दांत तोड़ लिए, देखिए इसने दोनों दांत तोड़ लिए, देखो कैसे लग रही है, क्यूट लग रही है, दोनों दांत टूट गए। और इसका थोड़ा मूड ख़राब है, इसे फ़ोन चाहिए गेम खेलने के लिए। तो मैंने पीयू का कहा पहले थोड़ा भजन सुना ले मुझे, और एक ही शर्त पे जो है फोन मिलेगा गेम खेलने के लिए। वैसे 11 बजने वाले बेटा, अब कौन सा गेम खेलोगी, सुबह उठने का नहीं टाइम पे। यहाँ पे पापा जी हैं, ये फोन पे लगे हुए हैं। अब पीहू सुनाएगी भजन, आ जाओ मैं सिखाऊंगी आपको एक लाइन, ठीक सोते समय भगवान का नाम लेना अच्छा रहता है ना। अब पीयू के एक ही भजन पसंद है, पीयू का फेवरेट है। अभी पीयू मेरे साथ बोलेगी, कौन सा है दे दूंगी, अभी दूंगी, मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना अभी, उसके बाद दे दूंगी, ठीक है। आपको कौन सा भजन पसंद है बोलो बोलो, मुझे हाँ मुझे पता है ना, तो सबको बताने था ना इसलिए। तो बोलोगी आप मेरे साथ, अब पीयू के लिए मम्मी ने फ्रॉक बनाई है, प्यारी वाली फ्रॉक बनाई है, पीयू ने आज वो वाली फ्रॉक पहनी है जो कि मम्मी ने बनाई है अपनी पीहू रानी के लिए। तो बोलो, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेरी सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेरी सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी बल्लभम, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सो
होते नहीं, माया शोदा के जैसे सुलाते नहीं, माया शोदा के जैसे सुलाते नहीं। बस बाकी पूरा मैं आपको कल सिखाऊंगी। ओके, पीहू का फेवरेट भजन है। तो गाइज वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर लेती हूँ, मेरे पीहू रानी को फ़ोन चाहिए। तो ज़रा भी आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और जो लोग न्यू हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय बाय।